नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। जम्मू कश्मीर में इस बार का विधानसभा चुनाव का रंग बिल्कुल अलग नजर आता है। दशकों बाद वादी में मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जम्मू कश्मीर में दो चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट फेज के बाद दूसरे फेज में भी मतदाताओं ने इस बात को साबित कर दिया कि यूनियन टेरिटरी में जमहूरियत की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 सीटों में हुए चुनाव में 57% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो लोकसभा चुनाव में हुए वोटिंग प्रतिशत से 5% ज्यादा है। पिछले कई दशकों में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, और यह उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आस्था को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद यह सबसे बड़ा असर है। यूनियन टेरिटरी में दर्ज हो रहे रिकॉर्ड मतदान और सियासी पार्टियों में इसको लेकर बड़ी टेंशन पर पेश है हमारी ये खास पेशकश लोकतंत्र का पंच। वादी का विधानसभा चुनाव, मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। बंपर वोटिंग से रचा इतिहास, दो फेज का हुआ मतदान, पार्टियों में मचा घमासान, जोरदार चुनावी टक्कर, सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था, मताधिकार में दिखाई आस्था। जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका दशकों से मानो इंतजार था। अलगाववादी आतंकवाद पर विराम लगने के बाद यहां के लोग नई सोच और नए नजरिए के साथ आगे बढ़ चले हैं। वो अपने अधिकार का भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं और कर भी रहे हैं। चुनाव में अपनी भागीदारी को बढ़ाकर वो इस पर मुहर लगाते हैं। यूनियन टेरिटरी में इस बार विधानसभा चुनावों को यहां के मतदाताओं ने ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब तक यूनियन टेरिटरी में आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है और यहां पर बंपर वोटिंग आई है। जम्मू के साथ ही कश्मीर रीजन में भी कुछ सीटों को छोड़कर ज्यादातर सीटों पर मत प्रतिशत उम्मीद से ज्यादा रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यूनियन टेरिटरी में हो रहे चुनाव में बंपर वोटिंग की उम्मीद की जा रही थी। बंपर वोटिंग कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं भारी दिलचस्पी है, और कहीं ना कहीं अब जो युवा है वो इस राजनीतिक बदलाव में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें चाहता है जिससे जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लोकतंत्र की बहाली हो। और वहीं पर जहां पर कई ऐसे नेता थे जो अलगाववाद की भाषा बोलते थे, लेकिन अब जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने तो उनके साथ उनके समर्थक भी अब वोट इन चुनावों में मतदान कर रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक बहाली हो रही है और बंपर वोटिंग हमें देखने को मिल रही है। वादी में रिकॉर्ड मतदान, ये कश्मीर की असली तस्वीर है। ये तस्वीर है लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसे की। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बाय बाय कहने की। ये तस्वीर है लोगों में अपने मताधिकार के प्रति जागरूकता की। ये तस्वीर है यूनियन टेरिटरी में नई व्यवस्था को कायम करने की दिशा में अपने हक के इस्तेमाल की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को इस बार यहाँ के लोगों ने ऐतिहासिक बना दिया है। 90 के दशक के बाद ये पहला चुनाव है जब लोगों को मतदान से दूर रखने के लिए न तो बहिष्कार का शोर है और न ही उनमें आतंकियों का कोई खौफ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच लोग बेखौफ अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे
और वहां पर लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। ये लोकतंत्र की ताकत है और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते जनता सबसे ऊपर है। चुनाव में एक एक मत की इसीलिए इतनी ज्यादा अहमियत है। जम्मू कश्मीर में एक दशक बाद होने वाले ये चुनाव ऐतिहासिक है। जम्मू कश्मीर में दो फेज में हुआ मतदान पिछले 7 चुनाव में सर्वाधिक मतदान है और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इसमें 4 लोकसभा चुनाव सहित 3 विधानसभा चुनाव शामिल हैं। बंपर वोटिंग का सीधा सीधा मतलब है कि लोगों का लोकतंत्र के ऊपर विश्वास बढ़ा है। जहां पर कुछ ऐसे लोग थे कि जो कहते थे कि ये हमारी खानदानी विरासत है और हमने ही यहां पर राज करना है, लोगों का उन तीनों खानदानों को सबक सिखाने का समय जो है लोगों को लगता है कि अब आ गया है। तो ये बंपर वोटिंग पूरी तरह से एक इशारा है कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लोग इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और लोगों को विश्वास है कि यहां पर जो आने वाली जो सरकार चुनी हुई आएगी, जो यहां पर लोगों के नुमाइंदे चुने आएंगे, वो उनकी भलाई के लिए काम करेंगे, ना कि अपने परिवारों के लिए काम करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 26 सीटों पर मतदान हो चुका है। दूसरे फेज की वोटिंग में 239 उम्मीदवार मैदान में थे। जिन सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग हुई उनमें 15 सीटें कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। वोटिंग के लिए 3,502 मतदान केंद्र बनाए गए थे। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा पुख्ता की गई। जम्मू कश्मीर के दूसरे फेज के प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 24 विधानसभा क्षेत्रों में 18 सितंबर को वोट डाले गए थे, जबकि दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर को वोट डाले गए। तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जहां कभी वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान होता था, वहां रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। जमहूरियत का जश्न है और ये जम्मू कश्मीर है। ये वादियां भी हैं, वो इलाके भी हैं जहां पहले कभी वोटिंग नहीं हुआ करती थी, डिफरेंट किस्म की कॉल आया करती थी, और ऊंची ऊंचे दरख्त भी हैं, पहाड़ियां भी हैं, चिनार भी हैं, हर एक जगह में ऐसी जगहें भी हैं जहां खतरों के संकेत दिया करते थे। और आप देखेंगे अभी कि उन सब जगहों में किस तरीके से एंथुजियास्टिकली लोगों की वोटिंग हो रही है। पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर पर नज़रें टिकाए रखी हुई है कि यहाँ की इलेक्शन असेंबली की कैसे होगी, लेकिन मैं जानता हूँ पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरह का रोल जम्मू कश्मीर की आवाम का रहा है वो दर्शाता था कि असेंबली इलेक्शन जो है उसमें जो पोलिंग परसेंटेज है पहले फेज में 61, दूसरे फेज में 56 और मुझे लगता है थर्ड फेज में भी 60 क्रॉस करेगी। ये इंडिकेशन है कि जम्मू कश्मीर की आवाम समझ गई है कि अपनी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपने वोट का जो हक है उसको इस्तेमाल करना है, और आज ये एक करारा जवाब पाकिस्तान को और उन फ्रिंज एलिमेंट्स को है जो जम्मू कश्मीर को नहीं चाहते थे कि ठीक डगर पे चले, ये उनको एक करारा जवाब है। और पूरी इलेक्शन में मैं समझता हूँ आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे पॉलिटिशियन जो है वो सहमे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने अपना विल जो है, बड़ा मैंडेट जो है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो फ्रेंचाइज कर रहे हैं इन सारे फेसिस में। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर की मानो तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है, और ये बदलाव महज सामाजिक और आर्थिक नहीं बल्कि सियासी स्तर पर भी ये बदलाव साफ नजर आता है। और ये इसी का नतीजा भी है कि इस बार के चुनाव प्रचार का रंग भी पहले के मुकाबले काफी अलग रहा और युवाओं की इसमें जबरदस्त भागीदारी रही। वादी 90 के दशक से आगे निकल चुका है और वहां पर ना तो अब युवाओं को गुमराह करने वाले अलगाववादियों की कोई जगह है और ना ही आतंकियों का कोई खौफ है। यूनियन टेरिटरी में अमन और सुकून का माहौल है और यहां के लोग अब नए सिरे से नई व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। चुनाव में मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपना उत्साह दिखाया वो इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। मतदाताओं में उत्साह। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। अलगाववाद पर पूर्ण विराम लग चुका है। अलगाववाद की आड़ में लोगों को गुमराह करने वाले लोग इस बार चुनाव के बहिष्कार का कॉल देने के बाद वोट मांग रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा पूर्व अलगाववादी लीडर निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। आतंकवाद पर नकेल कसा जा चुका है और इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव में
लोग बेखौफ होकर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें युवाओं के अलावा महिलाएं और थर्ड जेंडर के लोगों की भागीदारी कमाल की है। जम्मू कश्मीर में दर्ज हो रहे बेहतर बदलाव का ये इशारा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से ये अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ रहा है। वोट इसलिए डाला मुद्दों के लिए, सबसे पहले हमने वोट तकरीबन 10 साल के बाद डाला है। उसके बाद हम वोट इसलिए डाल रहे हैं कि हमें पहले राय दहिंदगा को होता है कि जमहूरियत का, इसलिए हम वोट डाले। और दो मुद्दों पर, सब पहले ये मुद्दा हमारा कि यहाँ बेरोजगारी है, और दूसरा मुद्दा है कि यहाँ हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले यही है कि बेरोजगारी का मसला और महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने आज वोट डाला। हम उम्मीद रखते हैं कि जो यहाँ हमारी सरकार आई, गवर्नमेंट आई, वो शायद इसका कोई ना कोई हल ढूंढे। 370 हटने के बाद में ये फर्क साफ देखा जा सकता है कि पहले जहां पर लोग वोट डालने के लिए निकलते नहीं थे, खास करके कश्मीर घाटी की अगर मैं बात करूं तो लोग वहां पर डरते थे, लोगों का विश्वास नहीं था। 370 हटने के बाद में लोगों को ये विश्वास हुआ है। यहां पर पिछले वर्षों में 2019 में 370 हटी थी, उसके बाद में 5 सालों में यहां पर क्या क्या विकास के काम हुए हैं, बाहर की कंपनीज आई हैं, पत्थरबाजी कम हुई, अलगाववाद की सारी दृष्टि कम हुई है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है वो विकास के राह पर अग्र हुआ है। तो जरूर ये बात कहनी हमें माननी पड़ेगी कि 370 हटने के बाद में लोगों का विश्वास बढ़ा है, और यह सीधे तौर पे 370 हटने का परिणाम है कि आज यहाँ पर 6% 8% वोटिंग होती थी, वहां पर अब 50% 60% वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में पहले फेज में हुए चुनाव में लोगों में मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर जिस उत्साह का परिचय दिया वो सराहनीय है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में 57.9%, डोडा में 71.32%, किश्तवाड़ में 80.2%, कुलगाम में 63.14%, रामबन में 70.57% और शोपिया में 57.01% मतदान हुआ। ये वो इलाका है जो 90 के दशक में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। जम्मू कश्मीर में 63.75% पुरुषों के साथ 58.96% महिलाओं और 40% थर्ड जेंडर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इन विधानसभा सीटों पर 25 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और उन्होंने बड़ी तादाद में मतदान करने में दिलचस्पी दिखाई। जम्मू की गुलाबगढ़ आरक्षित सीट पर सबसे ज्यादा 66% के करीब मतदान हुआ। वहीं पूंछ हवेली में 62.91% मतदान हुआ। कश्मीर रीजन के 15 विधानसभा क्षेत्रों में से खान साहिब सीट पर 58% से ज्यादा, कंगन में 56.55% और जरारे शरीफ में 55.04% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर इस चुनाव को यादगार बना दिया। बहुत खुशी महसूस हुई, 10 साल के बाद हमने वोट डालने का टाइम मिला, वक्त मिला, तो बहुत खुशी हुई है। उस सरकार को वोट डाला है जो कि हमारी सुरक्षा कर सके, देश की सुरक्षा कर सके और डेवलपमेंट के काम कर सके, हमने उस सरकार को वोट डाला है। दूसरे फेज में सबसे ज्यादा 8 विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में और सबसे कम 2 सीटें गांदरबल जिले की रहीं। इनके अलावा बड़गाम और राजौरी की 5-5, रियासी और पुंछ की 3-3 सीटों पर वोट डाले गए। श्रीनगर डिवीजन में गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम और जम्मू डिवीजन में रियासी, राजौरी और पुंछ शामिल हैं। श्रीनगर की हब्बाक दल सीट पर सबसे ज्यादा 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं राजौरी की बुद्धल में 4 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत फल फूल रही है। 2 चरणों में हुए मतदान में मतदाताओं की लंबी कतारों ने विरोधियों के दुष्प्रचार को ध्वस्त कर दिया। 10 साल के बाद ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, लोग भी बड़े एग्जैक्टिव थे कि भाई इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन होने हुआ है, हो भी रहा है। अब लास्ट फेज है हमारा फर्स्ट को, जिसकी वजह से लोग बड़े उत्साह में हैं कि कहाँ कहाँ वोट डालना है, ये तो उनका अपना राइट है, मगर इस बार जो इलेक्शन होगा ये बताएगा आपको कि कौन जीता है कौन हारा है, मगर ये इलेक्शन जो होगा वो देखने वाला होगा। और गवर्नमेंट भी जो बनेगी, और ये गवर्नमेंट भी अब पिछली गवर्नमेंट की तरह नहीं बनेगी कि लोगों को झूठे दिलासे देने वो करना, ये नहीं होगा। अब
गवर्नमेंट भी अब थोड़ी सतर्क रह के काम करेगी और लोगों को भी पता लगेगा कि हमने वोट जो है सही जगह पे कास्ट किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें हैं। यूनियन टेरिटरी में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कई तरह के महत्वपूर्ण इंतजाम भी किए हैं। कई राजनयिकों को मौके पर आमंत्रित भी किया गया, इन्वाइट किया गया। अलग अलग देशों के डेलीगेशन ने दूसरे चरण की वोटिंग को देखने के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ का दौरा किया और वहां की चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर जमकर तारीफ की। हालांकि दुनिया भर के डेलीगेशन को चुनावी व्यवस्था को देखने के लिए आमंत्रित किए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कड़ी आपत्ति भी दर्ज की थी। विदेशी राजनयिकों ने की सराहना। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई देशों के राजनयिकों ने बड़गाम और श्रीनगर के कई पोलिंग बूथों का दौरा किया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, मैक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस समेत करीब 15 देशों के राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया था। प्रतिनिधिमंडल में शामिल राजनयिकों ने लोगों और मतदाताओं से बातचीत भी की। It's a pleasure. It's my first time that I'm visiting Kashmir, Jammu Kashmir. So it's really a privilege to be invited by the Ministry of External Affairs to come and visit firsthand today's polling stations being open. First time here. It's very beautiful. It's wonderful to be amongst the people who are actually here to cast their votes. I see the really vibrant enthusiasm, and this is really democracy working, you know. So congratulations, you know, for well organized polling station. जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद हो रहे इस विधानसभा चुनाव पर दुनिया भर के देशों की नजरें टिकी हैं। यूनियन टेरिटरी में लोकतंत्र की बुनियाद कितनी गहरी और सशक्त है, इससे उन्हें रूबरू कराए जाने की जरूरत है और दर्जन भर से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने यहां की चुनावी व्यवस्था और मतदान को लेकर लोगों में उत्साह को देखकर उनकी जमकर सराहना भी की। यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार ने विदेशी राजनयिकों को चुनाव प्रक्रिया का स्वयं जायजा लेने के लिए आमंत्रित किया है। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान विभिन्न देशों के राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल मतदान की प्रक्रिया देखने के लिए श्रीनगर के बेमिना क्षेत्र में एक मतदान केंद्र का दौरा किया। जम्मू कश्मीर की चुनावी व्यवस्था को अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने अपने तरीके से तारीफ की। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इस तरह की चुनावी व्यवस्था को देखना उनके लिए नया तजुर्बा है। वो यहाँ पर गुलाबी बूथ देखकर भी दंग रह गए। It's very good. I mean, this is my first time in Srinagar, and it's of course important for us to visit different states and territories in India to see the election and to talk to the people. That's the most important thing. Organization is very similar to Singapore, where you use government buildings to make it accessible for people. So we are very grateful to MEA for organizing this trip for us to come and witness the polling in progress. एक अभूतपूर्व पहल के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान गुलाबी मतदान केंद्र स्थापित किया गया। पूरी तरह से महिलाओं द्वारा मैनेज्ड इस मतदान केंद्र का उद्देश्य स्वागत योग्य माहौल बनाना और चुनावी प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। चुनाव में महिलाओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधियों के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये बात अच्छी नहीं है। अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाज़त नहीं मिली, लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आर्टिकल 373(5) है, कुछ एक दो जमातों का कोई उनका स्लोगन हो सकता है, लेकिन लोगों को कोई लेना देना नहीं आर्टिकल 370 और 35 है। जितनी दुनिया मुझसे मिलती है, बातचीत करती है, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर के बच्चे एम्प्लॉय हों, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर जो है वो फ्लोरिश हो, जम्मू कश्मीर प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट की तरफ चले और जितने भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं लोगों के, वो हल हों, लोग उसकी बात करते हैं। देयर नो वन टॉक्स अबाउट आर्टिकल 370 एंड 35।
देखिए, जम्मू कश्मीर में हो रही बंपर वोटिंग ने राजनीतिक दलों द्वारा जीत के दावों के आकलन को पूरी तरह से गड़बड़ा दिया। लेकिन इस बार एक बड़ी संख्या में अलग थलग अलग अलग पार्टियों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी रण में है, तो दूसरी तरफ पार्टियों की उम्मीद से कहीं ज्यादा इस बार मतदान हो रहा है। और इस वोटिंग ट्रेंच को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बता रही है। वहीं बीजेपी इसे अपने हक में मान रही है। लोकसभा चुनाव में भी जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने बड़ी तादाद में मतदान में हिस्सा लिया और बीजेपी को उसका फायदा भी मिला। पार्टियों का बिगड़ा आकलन। जम्मू कश्मीर का चुनाव केंद्रीय पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है, वहीं स्थानीय पार्टियों के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। दरअसल यूनियन टेरिटरी में चुनावी ट्रेंड रहा है और इसके नतीजे मुख्यधारा की पार्टी मानी जाने वाली पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इर्द गिर्द घूमती रही है। मगर इस बार बीजेपी भी यूनियन टेरिटरी के कश्मीर रीजन में कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद केंद्रीय रोल में नजर आ रही है। इसके अलावा नतीजों को लेकर सबसे बड़ी टेंशन बड़ी तादाद में रीजनल पार्टियां हैं। इसके साथ ही बड़ी तादाद में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं और इनमें से ज्यादातर वो उम्मीदवार हैं जो पहले चुनाव के बहिष्कार का राग अलापते थे। चुनाव से दूर रहने के बावजूद उनका मुख्यधारा की पार्टियों को समर्थन रहता था, मगर इस बार वो खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। पहले जहां चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह की कमी रहती थी, वहीं इस बार वो रिकॉर्ड मतदान कर रहे हैं। ऐसे में पार्टियों के लिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि सियासी हवा का रुख किस तरफ है। एक तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बता रही है, वहीं बीजेपी इसे अपने पक्ष में देख रही है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में बंपर वोटिंग का बीजेपी को फायदा मिला था और नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका लगा था। पीडीपी तो रेस से ही बाहर हो गई थी। यही वजह है कि बंपर वोटिंग से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नतीजों को लेकर आकलन गड़बड़ाता नजर आ रहा है। कश्मीर घाटी में केंद्रित दोनों की दोनों पार्टियां, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, उनका अलगाववाद का एजेंडा रहा है। उन्होंने आज तक कभी भी यहां पर राष्ट्रवाद की बात नहीं की है। लोगों को गुमराह किया है, लोगों को वो बरगलाने की कोशिश करते रहे हैं। आज भी हम उनके मैनिफेस्टो में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वो उन्होंने खाली अपना ही ढोल वो पीट रहे हैं और लोगों को एक बार दोबारा वो मंजर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस मंजर से निजात भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व ने उन्हें दिखाई है। लोगों का पूरा विश्वास है कि इस बारी जो है वो जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार बनाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वो दोनों जो है वो ये बात जानते हैं, इसलिए वो घबरा रहे हैं। जहां पर उमर अब्दुल्ला कभी वो कहते थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी वो दो सीटों के ऊपर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जीतने का विश्वास नहीं है। पीडीपी अपनी ग्राउंड पूरी तरह खो चुकी है, जनता में विश्वास उनका खत्म हो चुका है। 35 से और 370 टूटने का ये गवर्नमेंट का अपना एक प्रेरोगेटिव था जिन्होंने ये इस चीज़ को किया। अब लोग हैबिट हो गई है, लोगों को 10 साल हो गए हैं, 19 में टूटा, 4-5 साल हो गए हैं। गवर्नमेंट अब स्टेटहुड भी वापस दे देगी, लोगों को ये भी भूल जाएगा कि 370 हमारा, वो तो वापस आएगा ही नहीं कभी भी, चाहे जो मर्जी कर लें। ये झूठे दिलासे दे रही है जो गवर्नमेंट, पिछली जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये झूठे दिलासे दे रही है, ये अभी भी हमें लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, ये ऐसा नहीं होता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही किसी भी पार्टी के हक में जाए, मगर यूनियन टेरिटरी के मतदाताओं ने ये साफ कर दिया है कि वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो यहाँ पर स्थायित्व को कायम रखने में मददगार साबित हो। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की नई सोच और बेहतर नजरिए पर भी एक मुहर है। तो सरकार किसकी बनेगी ये तो 8 तारीख को पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले ये बढ़ा हुआ प्रतिशत बताता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत में, लोकतांत्रिक मूल्यों में कितना विश्वास करने लगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।